आप सभी जानते होंगे कि पूरे संसार में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह अर्थात सांता क्लॉज अपने जन्मदिन पर सभी बच्चों को उपहार देते हैं। सांता क्लॉज से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर उपहार प्राप्त करने के विचार से बच्चे उछल पड़ते हैं। बच्चे मानते हैं कि 24 दिसंबर की रात में सांता क्लॉज चुपके से घर में प्रवेश करके ढेर सारे उपहार बच्चों के मोजे में या तकिए के नीचे रख कर चले जाते हैं। अतः 24 दिसंबर की शाम को रूपा, मधु, लता, मनोज, मीना, विनोद तथा साहिल ने सांता क्लॉज से मिलकर उपहार लेने की योजना बनाई। देखो, आंखें मूंद लेना, लेकिन सोना नहीं। हम बीच बीच में आंखें खोल खोल कर देखेंगे कि सांता क्लॉज कब आते हैं और हमारे लिए क्या उपहार छोड़ जाते हैं। हाँ भैया, हाँ सही कह रहे हैं, हमें सोना नहीं है, बस हम करना तो आप सब सही बोल रहे हैं, हमें सोना नहीं है, बस सोने का नाटक करना है और खराटे भी लेना। रात को सभी बच्चे सांता क्लॉज के आने का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते काफी रात हो गई, बच्चे सोए, आंखें मिसते मिसते बच्चों को नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो गए तो उनके माता पिता ने बच्चों का सांता क्लॉज के प्रति विश्वास बनाए रखने स्वयं उनके मोजे में तथा करती एक्शन। सुबह हुई, चारों ओर खुशी का माहौल था। बच्चे उठे और अपने अपने उपहार देखकर आनंदित हो गए। मधु और मनोज ने मीना को अपने खिलौने दिखाए और उसके खिलौने देखे। रूपा और साहिल ने भी अपने खिलौने दिखाए। देखो, लता ने भी अपने खिलौने दिखाए। फिर मधु ने बोला, मीना देखो मुझे कितने सुंदर खिलौने मिले हैं, तुम्हें उपहार में क्या मिला है? मीना अपने खिलौने लेने गई, उसने खिलौने लेने गई तो उसके भाई विनोद को शरारत सूझी। दूसरे दरवाजे से बड़ी बड़ी आंखों वाला बहुत भयानक कुकर था अपने चेहरे पर लगाकर एकाएक बच्चों के सामने आया और सभी बच्चे डर के भाग गए। लेकिन मधु बहुत डर गई और चिल्ला उठी। मीना और उसके माता पिता तुरंत दौड़ा। डरी हुई मधु अभी थर काम रही थी, डर के मारे उसे बुखार चढ़ गया था। रह रहा था वो चौंक पड़ती और बड़बड़ाने लगती। वो बहुत सहमी हुई थी। दो दिन बाद उसका बुखार उतरा। मधु के पिताजी ने नटखट बच्चों को बुलाया और उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों सुनो, तुम बच्चे हो, तुम्हें हंसी मजाक भी करना चाहिए, खेल कूद भी करना चाहिए, पर ऐसा कोई मजाक या हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका किसी पर बुरा प्रभाव पड़े। डरावने मुखौटे, सांप, बिच्छू आदि से बच्चे डर जाते हैं, उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं, बच्चों को ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें डरा दिया था, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपको कैसे डराने खिलौने नहीं दूंगा। विनोद की बातें सुनकर सभी बच्चों ने उसका समर्थन करते हुए डरावने खिलौने नहीं लेने तथा कोई भी हानिकारक शरारत नहीं करने का संकल्प लिया। बच्चों के इस संकल्प से मधु के पिताजी प्रसन्न हो गए। मेरे साथ तुम लोग शपथ लो कि तुम लोग ऐसे खिलौने कभी नहीं लोगे। शाबाश, गलती करने के बाद उसे माफी मांगने से गलती का प्रायश्चित हो जाता है। तुम सभी बच्चे सचमुच बहुत समझदार हो। These are